हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 2nd का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये दूसरे यूनिट का नोवा वीडियो है, और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 2nd को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। आपके मोबाइल फोन में यदि टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो वहां भी आप सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर, वहां पर भी आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, या हम इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आ जाता है, इसलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, या आप इसे कह सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से देखेंगे, हेडिंग लगाता हूं मैं, हेडिंग लगाता हूं प्रकाश। आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, प्रकाश विद्युत प्रभाव। या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप भौतिक विज्ञान में भी पढ़ोगे, पर यहाँ हमें केमिस्ट्री में भी इसे पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो एक बात समझनी है आपको। मान लो आपके पास एक धातु का टुकड़ा है, कोई कोई धातु का टुकड़ा है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मान लो ये धातु का टुकड़ा है, और इस धातु के टुकड़े को मैंने किया है ऋणावेशी। कैसा आवेश किया है? इसके ऊपर कैसा आवेश लगाया है? ऋणावेश। बैटरी के ऋणावेशी ध्रुव से इसे जोड़ दिया गया है, और ये जो धातु का टुकड़ा है ये या तो पोटेशियम का है, या फिर ये रुबिडियम का है, और या फिर ये सीजियम का है। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीन धातुएं मैंने यहां लिखी हैं, पहले वर्ग की धातुएं हैं, जिन्हें आप कहते हो क्षार धातु। और इन धातुओं के अंदर एक खासियत ये है कि इनका आयनन विभव बहुत कम है। क्या कम है इनका आयनन विभव? आपने क्लास 10th में पढ़ा था आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब होता है कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। तो इनका आयनन विभव कम है, तो इनके जो धातु के जो परमाणु होंगे, उन परमाणुओं की बाहरी कक्षा से आप इलेक्ट्रॉन को बहुत थोड़ा सा ऊर्जा देकर भी निकाल सकते हो, क्योंकि इनका आयनन विभव कम है। तो आप क्या करते हो, धातु का कोई टुकड़ा लेते हो और इसके ऊपर आपतित करते हो प्रकाश या विकिरण। प्रकाश का विकिरण या प्रकाश की तरंगे, एक निश्चित आवृत्ति की आप इसके ऊपर जब तरंगे या विकिरणों को आपतित करते हो, तो इनके अंदर से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और यदि इसके सामने आपने एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लगा दिया कोई धनावेशित इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे किसकी तरफ गति करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे धन आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, जिसे आप एनोड भी कह सकते हो। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष ये निकला है, जब किसी निश्चित आवृत्ति के विकिरणों को या प्रकाश विकिरणों को किसी धातु की सतह पर, कैसी धातु होनी चाहिए? ऐसी धातु होनी चाहिए जिसका आयनन विभव कम हो, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। किसी कम आयनन विभव वाली धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, तो धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर उसकी सतह पर आ जाते हैं।
और जो इलेक्ट्रॉन निकलकर सतह पर आते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों का निकलकर बाहर आ जाना धातु के अंदर से सतह पर आ जाना, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बताओ समझ में आया क्या आपके, प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो हम क्या लिखेंगे देखो जरा, जब किसी, ध्यान से समझना बिल्कुल, जब किसी निश्चित आवर्ती वाले, निश्चित आवर्ती वाले प्रकाश को, या ऐसा भी लिख सकते हो प्रकाश विकिरणों को, प्रकाश विकिरणों को, केवल प्रकाश को लिखोगे जब भी ठीक है, किसी कम आयनन विभव वाली, किसी कम आयनन विभव वाली धातु, कम आयनन विभव वाली धातु, जैसे मैंने आपको यहां बताया है पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये कम आयनन विभव वाली धातु है, की सतह पर, कम आयनन विभव वाली धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, मतलब आपने क्या काम किया है, एक निश्चित आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित किया है ऐसी धातु की सतह पर जिसका आयनन विभव कम है, अर्थात जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं बाहरी कक्षा से, आपतित किया जाता है, तो धातु के अंदर से, धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, उत्सर्जित होना माने निकलना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर सतह पर, सतह पर आने लगते हैं, सतह पर आने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलकर कहाँ आ जाएंगे, सतह पर, और सतह से दूर भी भाग सकते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है आपने कितनी आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया है, कब केवल सतह पर आएंगे और कब सतह पर आने के बाद बाहर भी दौड़ेंगे, किसकी तरफ, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ, इस बारे में आज ही हम डिस्कस करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन सतह उत्सर्जित होकर कहाँ आ जाते हैं, सतह पर आने लगते हैं, यह घटना, यह घटना, इस घटना को हम क्या कहते हैं, यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है बेटे, इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, किस घटना को, कि आपने एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित किया और धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने प्रारंभ हो गए और सतह पर आ गए या सतह से दूर भी भाग सकते हैं, पर एक बात पक्की है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, यदि आप ऐसी धातु का प्रयोग करोगे जिनका आयनन विभव क्या है, कम। देखो एक बात और बताता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं धातु की सतह पर आ जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन भी आप इन्हें कह सकते हो। तो एक तो ये बात सब बच्चों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, इसके क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जब इसका अध्ययन हम करते हैं या प्रयोग करते हैं, या फिर आप इसे परिणाम ना कहकर विशेषताएं भी कह सकते हैं, ठीक
प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या खासियत होती हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। देखो सबसे पहली विशेषता, समझते रहेंगे बिल्कुल ध्यान से, जो प्रकाश विकिरणों के आपतित होने का समय है ना, और जो इलेक्ट्रॉनों के निकलने का समय है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। आपतित विकिरण जिस समय आपतित होगी, तुरंत उसी समय ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, यानी इन दोनों घटनाओं में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, प्रकाश विकिरणों के आपतित होने, प्रकाश विकिरणों के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय अंतराल नहीं होता है, कोई समय अंतराल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप प्रकाश को आपतित करोगे धातु की सतह पर, प्रकाश जैसे ही धातु की सतह पर टकराएगा, तुरंत उसी समय प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी बिल्कुल भी टाइम डिफरेंस आपको इन दोनों घटनाओं में नहीं मिलेगा। नंबर दो, दूसरी क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है? दूसरी विशेषता ये मिलती है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, या ऐसा कह सकते हो कि प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी जितना ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आप धातु की सतह पर आपतित करोगे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, देखो दोबारा पढ़ता हूं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता आप धातु की सतह पर डालोगे, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे धातु के अंदर से। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि सर तीव्रता का मतलब हम स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, तो तीव्रता का मतलब पता क्या होता है? तीव्रता का मतलब होता है कि मान लो आपके पास LED बल्ब है, एक बल्ब तो है आपके पास 3 वाट का, एक बल्ब है आपके पास 10 वाट का, तो जो 3 वाट का बल्ब है उसकी तीव्रता कम है, उसके प्रकाश की तीव्रता कम है, और एक बल्ब जो आपके पास 10 वाट का है उसके प्रकाश की तीव्रता है अधिक। तो तीव्रता को आप इस उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हो कि 3 वाट के बल्ब के प्रकाश की तीव्रता कम है, 7 वाट के बल्ब की प्रकाश की तीव्रता कुछ ज्यादा है, 9 वाट के बल्ब के प्रकाश की तीव्रता उससे भी ज्यादा है, 40 वाट के बल्ब के प्रकाश की तीव्रता उससे भी ज्यादा है, और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता सबसे ही ज्यादा है। तो समझते हो ना प्रकाश की तीव्रता का क्या मतलब होता है? तो यहाँ सीधी साधी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे जो धातु की सतह से निकलकर बाहर आएंगे, उनकी संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश आप धातु की सतह पर आपतित करोगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। परंतु एक बात लिखता हूं, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है बेटे, मतलब कहने की बात यह है कि
यदि आप अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्सर्जित होती हुई अधिक नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि जितनी ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आप आपतित करोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवृत्ति पर बिल्कुल भी नहीं निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट आप उसके ऊपर इंसिडेंट करोगे उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूँ, चलो तीसरी विशेषता बताता हूँ, बहुत बढ़िया। जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है जो, उनका जो वेग है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग, या वेग को आप, या वेग की जगह आप इस शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, गतिज ऊर्जा, वेग या गतिज ऊर्जा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिन्हें आप कहते हो प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तो उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग या गतिज ऊर्जा आपतित, यहां कोमा लगा देते हैं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। देखो ये काम की बात है बहुत, मतलब ये है कि जो आपतित प्रकाश है उस पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निर्भर नहीं करती है, पर जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निर्भर नहीं करती है, पर आवृत्ति पर ये बात जरूर निर्भर करती है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनका वेग कितना होगा। मतलब देखो इस बात को समझ जाओ, क्योंकि एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इन पॉइंट्स के ऊपर। देखो सबसे पहली बात क्या सीखी कि प्रकाश विकिरणों के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होता है। जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर टकराएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। दूसरी बात, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश आप धातु की सतह पर डाल दोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक बात यहाँ ये भी लिख दी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति बढ़ाओ या घटाओ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलेंगे जितने निकलने हैं। यदि तीव्रता बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। पर यहाँ तीसरे नंबर पे हमने एक बात सीखी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है या गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। ये निर्भर करते हैं आवृत्ति पर, आवृत्ति पर। वो जो आपने प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित किया है, इस प्रकाश को आपने धातु की सतह पर आपतित किया है, तो इस प्रकार की, इस वाले प्रकाश की तीव्रता यदि आप बढ़ाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और आवृत्ति यदि बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका वेग ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आप आपतित करोगे उतना ज्यादा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग उतना ही ज्यादा होगा, या फिर यूं कह दो गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। इस चीज को समझना है आपको ध्यान से। अब आते हैं नंबर चार पर, चौथा पॉइंट। किसी धातु की सतह से, ध्यान से समझना बिल्कुल, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए एक न्यूनतम, एक न्यूनतम आवृत्ति, इसे न्यू जीरो से लिख सकते हो आप, न्यू जीरो, एक न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश की, प्रकाश कह दो या विकिरण भी कह सकते हो आप, प्रकाश की आवश्यकता होती है। न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये जो न्यूनतम आवृत्ति यहां लिखी है न्यू जीरो, इसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति।
ईसे का मतलब न्यू जीरो को देहली आवर्ती कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है देहली आवर्ती क्या होती है, देहली आवर्ती कहते हैं। तो देहली आवर्ती यदि कोई आपसे पूछता है तो आपको बता देना चाहिए कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एक न्यूनतम आवर्ती वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उस प्रकाश की जो वो न्यूनतम आवर्ती होती है, कम से कम जो आवर्ती हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, उस कम से कम आवर्ती को हम कहते हैं देहली आवर्ती, या इसे इंग्लिश में आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कह सकते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कम से कम एक न्यूनतम आवर्ती की आवश्यकता हमें पड़ेगी किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए। पर एक बात मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवर्ती का मान अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग धातुओं के आयनन विभव का मान भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर एक धातु के लिए देहली आवर्ती का मान एक जैसा होगा। धातु बदलने पर उसकी देहली आवर्ती बदल जाएगी। जैसे मैं आपको कह सकता हूं कि पोटेशियम की देहली आवर्ती कुछ और होगी, रुबिडियम की और सीजियम, इन दोनों की देहली आवर्ती अलग अलग होगी। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि जिस धातु की सतह पर आप प्रकाश को आपतित कर रहे हो उस धातु के परमाणुओं का आयनन विभव कितना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात बताता हूं आपको। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे कि मान लो हमारे पास एक धातु है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं फिर समझेंगे। मान लो एक धातु का टुकड़ा है और इसके लिए देहली आवर्ती का मान मान लो 100 हर्ट्स मान लेते हैं। चलो 100 हर्ट्स है। मान लो हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है, कोई भी धातु है, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से ही कोई धातु लेनी होगी। जो आपके घरों में सोलर पैनल लगे होते हैं ना, तो सोलर पैनल में भी ज्यादातर इन्हीं धातुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सोलर पैनल प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण पर ही आधारित होते हैं। मान लो हमारे पास कोई धातु का टुकड़ा है और उसकी देहली आवर्ती है 100 हर्ट्ज, और आपने उसके ऊपर प्रकाश आपतित जो किया है वो आपतित प्रकाश की आवर्ती भी कितनी है, उसकी आवर्ती भी 100 हर्ट्ज है। ठीक है, चलो अच्छा 100 हर्ट्ज नहीं लेते हैं, अभी मैं कहता हूं कि मान लो आपतित प्रकाश की जो आवर्ती है वो 90 हर्ट्ज है। तो यदि आपने 90 हर्ट्ज का प्रकाश आपतित कर दिया तो ये बात पक्की है कि 90 हर्ट्ज के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलकर सतह पर नहीं आएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, सतह पर लाने के लिए कम से कम 100 हर्ट्ज के प्रकाश की आवश्यकता है, यानी ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है जिसकी आवर्ती 100 हर्ट्ज हो। देहली आवर्ती का मतलब यही होता है कि आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवर्ती जो आवश्यक है किसी धातु की अंदर से इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए। अब देखो यदि मैंने आपको कहा कि 90 हर्ट्ज का प्रकाश आपने इसके ऊपर आपतित किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। पर यदि मैं आपको कह दूं कि हमने इस बार 100 हर्ट्ज का प्रकाश, 100 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश प्रयोग किया है, मान लो आपने ऐसा प्रकाश प्रयोग किया है जिसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज है और इस धातु के लिए देहली आवर्ती भी कितनी है, 100 हर्ट्ज, तो इस बात बात पक्की है कि इलेक्ट्रॉन निकलकर सतह पर आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलकर सतह पर तो आ जाएंगे, जिन्हें आप कहते हो प्रकाश इलेक्ट्रॉन, पर उनके अंदर ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी। वो बिल्कुल ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन निकलकर सतह पर तो आ गया है, पर सतह पर आकर उसका वेग जीरो है, वो रेस्ट है, विराम अवस्था में, सिर्फ बाहर निकलने की जिम्मेदारी थी। क्यों थी? क्योंकि जितना उस धातु के लिए देहली आवर्ती था उतनी ही आवर्ती का प्रकाश आपने आपतित किया है, तो इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ आ जाएंगे, सतह पर उनका वेग होगा जीरो, उनकी गतिज ऊर्जा होगी जीरो। पर यदि मैं आपको कह दूं कि हमने जो प्रकाश आपतित किया है वो 110 हर्ट्ज का प्रकाश आपतित किया है, सुन लो ध्यान से, यानी आपने आपतित प्रकाश की जो आवर्ती ली है वो 110 हर्ट्ज है और धातु के लिए देहली आवर्ती कितनी है, 100 हर्ट्ज,
तो इस बार हमारे आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर आएंगे और वो केवल सतह पर नहीं रुकेंगे, सतह से आगे जाएंगे, यानी उनमें कुछ ना कुछ क्या होगी, गतिज ऊर्जा अवश्य होगी, उनके अंदर वेग अवश्य होगा। बताओ ये बात समझ में आती है क्या? दहली आवृत्ति चाहिए इलेक्ट्रॉनों को निकालकर दरवाजे तक लाने में, सतह तक लाने में। और यदि आपने आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कुछ अधिक रखी है तो इस बात की 100% गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेंगे ही, पर बाहर निकलने के बाद वे चुपचाप नहीं बैठेंगे, विराम अवस्था में नहीं बैठेंगे, वे गति करेंगे, उनके अंदर वेग होगा, उनके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हमें पता चला है, कितने पॉइंट लिखे थे हमने? 4 पॉइंट लिखे थे। पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है। पांचवा पॉइंट है कि जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो हो, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो, तो क्या होगा? हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में एक निश्चित, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में एक निश्चित वेग, एक निश्चित वेग या गतिज ऊर्जा, आप गतिज ऊर्जा भी कह सकते हो, निश्चित गतिज ऊर्जा, निश्चित वेग या निश्चित गतिज ऊर्जा होती है। बताओ इस चीज को ध्यान रखोगे क्या आप? मतलब ऐसा केवल तभी होता है जब आपका जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो। देखो मैंने तीन केस यहां समझाए हैं आपको। सबसे पहला केस क्या समझाया है? सबसे पहला केस समझाया है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है दहली आवृत्ति से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं बाहर, यानी कि आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का गुण या घटना या क्रिया दिखाई ही नहीं देगी, नंबर दो। दूसरी बात आपको समझाई है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बराबर हो जाए दहली आवृत्ति के, यदि दोनों बराबर हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे, पक्की बात है, पर उनके अंदर गतिज ऊर्जा या वेग नहीं होगा, सिर्फ निकलकर सतह पर आ जाएंगे, जैसे किसी बारात में जाने वाले बाराती हैं, उन्हें घरों से तो हमने निकाल लिया, घर के बाहर तो खड़े हो गए हैं, मोहल्ले में, कॉलोनी में या गांव के चौक पर तो खड़े हो गए हैं, पर उन्हें बस में चढ़ाने के लिए धक्का देना जरूरी है जब वे बस में चढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब आपका जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है बाहर, और जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन सतह पर तो आ जाते हैं, बाहर तो निकल जाते हैं, उत्सर्जित तो हो जाते हैं, पर उनके अंदर कोई गतिज ऊर्जा या वेग नहीं होता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई जो पॉइंट में लिखी हुई है कि जब आपका आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है, किससे? दहली आवृत्ति से। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन सतह पर तो निकल कर आ ही जाते हैं, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना तो आपको देखने को मिल जाती है, पर उन इलेक्ट्रॉनों में एक निश्चित वेग भी होता है, यानी उनमें एक निश्चित गतिज ऊर्जा भी होती है। आवृत्ति को जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना इलेक्ट्रॉनों का, यानी निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का, जिन्हें आप कहते हो प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उनका वेग उतना ही ज्यादा होगा या उनकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने आपको दो बातें सिखाई हैं। पहली बात क्या सिखाई है? पहली बात सिखाई है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे, पहली बात। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी कितनी ज्यादा होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो तीव्रता पर निर्भर करते हैं निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आवृत्ति पर निर्भर करता है निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग या गतिज ऊर्जा। इस चीज को ध्यान रखोगे आप। तो ये तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। अब चलो अच्छा एक अगली बात करते हैं। ये पांच विशेषताएं तो मैंने आपको बता दी। कुल मिलाकर बात यहां पहुंची है कि जो आपका जो आपतित 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 प्रकाश है ना, उस प्रकाश को आइंस्टीन ने कहा था आपतित फोटोन।
जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा दो हिस्सों में बंटती है। भाई जो प्रकाश आपने आपतित किया है धातु की सतह पर, जो प्रकाश आपतित किया है, प्रकाश में ऊर्जा के पैकेट जो होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? फोटोन ही तो कहते हो, या क्वांटा कहते हो, या फोटोन कहते हो। तो वो जो प्रकाश का फोटोन है जिसे आप कहते हो आपतित फोटोन, तो उसकी ऊर्जा दो हिस्सों में बटेगी। ये जो फोटोन अपने साथ एनर्जी लेकर आएगा, प्रकाश का फोटोन अपने साथ एनर्जी लेकर आएगा, वो एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ऐसा मानना था एल्बर्ट आइंस्टीन का। ध्यान से सुनियो, दो हिस्सों में डिवाइड होगी। पहला हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा तो वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को निकालकर सतह तक लेकर आएगा। पहला हिस्सा तो वो है ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन को निकालकर सतह तक लेकर आएगा। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा ऊर्जा का वो है जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को, जो निकलकर सतह पर आ चुका है, उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, उसे वेग प्रदान करेगा। तो आइंस्टीन का मानना था कि आपतित फोटोन की ऊर्जा दो हिस्सों में बटेगी। पहला हिस्सा तो उसका होगा दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा तो अब आप बखूबी समझते हो। दहली ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से निकालकर सतह तक लाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस ऊर्जा का एक हिस्सा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला गया, यानी दहली ऊर्जा में चला गया। दूसरा हिस्सा जाएगा उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है उसमें जाएगा दूसरा हिस्सा। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा, जो यहां से प्रकाश का फोटोन यहां पर टकराया है, उसकी ऊर्जा दो हिस्सों में बटेगी। पहली ऊर्जा तो दहली ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को अंदर से निकालकर सतह तक लाएगी, और दूसरी ऊर्जा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यानी जो उसे गति प्रदान करेगा। दो हिस्सों में बटेगी, इसे आप ऐसे लिख सकते हो। देखो फोटोन की ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं? एच न्यू से। कैसे लिखते हैं? एच न्यू। और दहली ऊर्जा को आप लिख सकते हो एच न्यू जीरो, या न्यू नॉट भी आप इसे कह सकते हो। और गतिज ऊर्जा को आप कह सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, या केवल के लिख दो आप। अच्छा एक बात बताओ, एच न्यू तो आप लिख दोगे, एच न्यू जीरो लिख दोगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला गतिज ऊर्जा का आपका भौतिक विज्ञान में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। देखो इस समीकरण को ध्यान से देखो जरा आप, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस के ई। यदि यहां से हम निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालते हैं ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो कैसे निकलेगी? एच न्यू, ये प्लस का एच न्यू जीरो, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। ऐसे ही तो निकलेगी। और यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यहां से कुछ कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन लोगे आप? आप कॉमन लोगे एच, अंदर क्या बचेगा? न्यू माइनस न्यू जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, हमने कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें न्यू का फार्मूला आपको क्या पढ़ाया था? न्यू का फार्मूला आपको पढ़ाया था सी अपॉन लैम्डा, और न्यू जीरो का फिर आप सी अपॉन लैम्डा जीरो लिख दो। यदि ये इसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हो, तो इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह सकते हो, ठीक है? देहली आवृत्ति, तो ये क्या हो जाएगा? देहली तरंग दैर्ध्य। तो सी तो कॉमन ले लोगे आप यहां से, सी तो आप कॉमन ले सकते हो, एच सी, यहां क्या बचेगा? वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो, वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो। अच्छा ये जो समीकरण है ना, ये जो समीकरणें आपको दिखाई दे रही हैं यहां से यहां तक, एक दो तीन चार, इन समीकरणों को कहते हैं हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। तो आप ऐसे लिख सकते हो, उपरोक्त समीकरण को, उपरोक्त समीकरण को, या समीकरणों को ऐसे भी कह सकते हो, आइंस्टीन की, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहते हैं। इसके अलग अलग रूप ऊपर लिखे हुए हैं, तो
तो यदि कोई आपसे एग्जाम में पूछता है कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण बताओ, तो आप इस समीकरण को लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, सारी एक ही जैसी समीकरणें हैं। और यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ न्यू जीरो क्या है बताओ, न्यू जीरो क्या होता है, न्यू जीरो होता है आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति उस आवृत्ति को कहते हैं जो कम से कम चाहिए होती है, जिसकी कम से कम की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए। और लैम्डा जीरो को मैंने क्या बताया था, यदि ये देहली आवृत्ति है तो इसे क्या बताया था, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य, इसे हम कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिणाम या विशेषताएं क्या होती हैं, और यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव का गणितीय रूप जो आइंस्टीन ने हमें बताया था। और ये पता होना चाहिए कि न्यू जीरो क्या होता है, यानी देहली आवृत्ति क्या होती है, और देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, यह भी पता होना चाहिए, देहली ऊर्जा क्या होती है। इन सभी बातों के बारे में हमने यहाँ जिक्र किया है, पक्की बात है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करेंगे बेटे विद्युत विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, द्वैत कह दो या द्वैती कह दो, इसे इंग्लिश में कहते हैं डुअल नेचर। विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति का क्या मतलब है, या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या मतलब है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब ऐसी तरंगे या ऐसी वेव्स या ऐसी विकिरण जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, पर इसके अंदर एक खासियत और होती है। इसका नाम विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए होता है क्योंकि जब भी विद्युत चुंबकीय विकिरण चलती है किसी माध्यम में या किसी माध्यम की अनुपस्थिति में, तो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करती है, दो प्रकार की फील्ड डेवलप करती है, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। दोबारा ध्यान से सुनो और इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल घुसा लो। जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगे कहीं भी चलती हैं, तो वे अपने चलने के दौरान दो तरह के क्षेत्र, दो प्रकार के क्षेत्र, टू टाइप्स ऑफ फील्ड डेवलप करती है। उनमें से एक तो होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए हम इन तरंगों को, इन विकिरण को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हुई चलती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती हुई चलती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब इसमें एक बात आपको और सीखनी पड़ेगी कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, इनके द्वारा वे दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जब भी कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है किसी भी माध्यम में या विदाउट किसी माध्यम के, क्योंकि वो माध्यम के बिना भी चल सकता है, जब ही तो उसे हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा है। देखो, विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ एक दूसरा भी विकिरण होता है, एक दूसरी भी तरंगे होती हैं जिन्हें कहते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के नहीं चल सकती हैं यांत्रिक तरंगे। जैसे ध्वनि, जहां वायु होगी, जहां माध्यम होगा वहां ध्वनि चलेगी, और जहां माध्यम नहीं होगा वहां ध्वनि नहीं चल सकती है। देखो, यहां लिखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, यानी डुअल नेचर। अब टॉपिक पे आ जाओ, पूरा ध्यान लगाओ इस शब्द पर, द्वैत प्रकृति।
द्वैत प्रवृत्ति कह दो या द्वैत प्रकृति कह दो, एक ही बात है, डुअल नेचर। देखो यदि मैं बात करता हूं, प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, आपको पता है। यदि मैं बात करता हूं प्रकाश की, और मैं प्रकाश की दो घटनाओं की व्याख्या करता हूं, एक तो व्यतिकरण और एक विवर्तन। तो यदि आप व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या करते हो, तो इन दोनों व्याख्याओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, क्या है? तरंग। परंतु यदि हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की, और यदि हम बात करते हैं कृष्णिका विकिरण की, और यदि हम बात करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, तो इन तीनों घटनाओं की यदि आप व्याख्या करते हो, तो इनकी व्याख्या से स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? कणों से मिलकर बनता है, यानी उसकी प्रकृति कणीय प्रकृति है। तो अब समस्या वैज्ञानिकों के सामने ये खड़ी हुई कि प्रकाश में कुछ गुण तो ऐसे हैं जो उसकी तरंग प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, और प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जो उसकी कणीय प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। तो प्रकाश को तरंग मानना चाहिए या फिर कण मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए प्रकाश को? तो अल्टीमेटली आखिरकार अंततः वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के लक्षण होते हैं, दोनों के गुण होते हैं। प्रकाश कभी तो तरंग की भांति व्यवहार करता है और कभी कणों की भांति व्यवहार करता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति है, यानी प्रकाश का डुअल नेचर है, और प्रकाश को ही आप विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कह सकते हो। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वैत प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनके अंदर कण और तरंग दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। कभी वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं और कभी वो व्यवहार करते हैं कणों की भांति। कौन? विद्युत चुंबकीय विकिरण। कौन? प्रकाश। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? देखो यहां लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, तो हम यहां लिखेंगे प्रकाश के विवर्तन एवं व्यतिकरण, विवर्तन एवं व्यतिकरण गुणों की व्याख्या से, जब इन गुणों की व्याख्या करते हैं, स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि मैंने इन दोनों गुणों को आपको समझाया था कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में, मैंने समझाया था व्यतिकरण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है, आपके ध्यान होगा। व्याख्या से स्पष्ट होता है कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति तरंग के समान होती है, तरंग के समान होती है, यानी प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, क्या है? वेव है। परंतु परंतु प्रकाश के परंतु प्रकाश के एक गुण हमने अभी पढ़ा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख दो, चाहे प्रकाश विद्युत प्रभाव कोमा कृष्णी का विकिरण, कल भी मैं इसे पढ़ा रहा था आपको, कृष्णी का विकिरण। कृष्णी का तो पता है आपको, ब्लैक बॉडी। भौतिक विज्ञान में ज्यादा पढ़ोगे इन बातों के बारे में, ज्यादा पढ़ोगे भौतिक विज्ञान में। यहां तो हमें जितनी आवश्यकता है उतनी हम पढ़ रहे हैं। हमने यहां लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव एक घटना है, हमने लिखा है परंतु प्रकाश के प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णी का विकिरण तथा हाइड्रोजन के सूक्ष्म, हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, या इसे रैखिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो आप, की व्याख्या से, की
रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या से यह होता है, व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की प्रकृति कणों के समान होती है। प्रकाश की प्रकृति किसके समान होती है? कणों के समान होती है। तो प्रकाश में कुछ गुण तो ऐसे हैं जो उसकी तरंग प्रकृति को स्पष्ट करते हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जो उसकी कण प्रकृति को, कणीय प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। तो यहां से लिख देंगे हम अंततः वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं बताओ। इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकाश में कण तथा तरंग गुण पाए जाते हैं। कण तथा तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात प्रकाश कभी कणों की तरह है तथा कभी कभी किसकी तरह? कभी तरंगों की तरह, कभी कणों की तरह तथा कभी तरंगों की तरह की जगह आप भांति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। तरंगों की तरह व्यवहार करता है। अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है बताओ। अतः स्पष्ट होता है कि प्रकाश, या फिर आप लिख सकते हो, या प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण ही तो है बेटे प्रकाश। प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति माने डुअल नेचर, कभी कण तो कभी तरंग, कभी तरंग तो कभी कण, द्वैत प्रकृति होती है। तो ये है बेटे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश कभी तो कणों की भांति व्यवहार करता है और कभी तरंगों की भांति व्यवहार करता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से गुण का अध्ययन कर रहे हैं, या कौन से गुण के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, या कौन से गुण की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? द्वैती, डुअल नेचर होती है। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं आपको, यहाँ वो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, नियोन गैस को संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है। ये नियोन गैस है, NE माने नियोन। नियोन गैस को कहाँ प्रयोग करते हैं? संकेत बोर्डों में, जो साइनिंग बोर्ड्स होते हैं लगे हुए सड़कों पर, लगे हुए होते हैं और भी बहुत जगह, जैसे किसी कोई स्टोर है या बड़ी दुकान है या कोई शोरूम है, उसके ऊपर हम बोर्ड लगाते हैं बड़े बड़े, वहां यूज किया जाता है। तो नियोन गैस को संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है। यदि यह 616 नैनोमीटर पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जन करती है,
ये जो 616 नैनोमीटर है ये तरंग दैर्ध्य दे रखा है। तो नंबर एक हमें उसकी आवृत्ति बतानी है जो तरंगे उत्सर्जित होंगी, जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसकी आवृत्ति। नंबर दो, 30 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी बतानी है कि 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगी वे तरंगे जो नियोन गैस से निकल रही हैं। नंबर तीन, क्वांटम की ऊर्जा कि उस नियोन गैस से निकलने वाली जो प्रकाश की विकिरण है उसके एक क्वांटम में या एक फोटोन में कितनी एनर्जी होगी यह बताना है। नंबर चार, उपस्थित क्वांटम की संख्या की गणना कीजिए कि कितने क्वांटम होंगे यदि 2 जूल ऊर्जा उत्पन्न करती हो। कौन ऊर्जा उत्पन्न करती हो 2 जूल? ये नियोन गैस से जो हमने बोर्ड बनाए हैं, संकेत बोर्ड, उससे टोटल एनर्जी कितनी निकलती है 2 जूल। तो देखो इन्होंने कहा है नियोन गैस तो संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है, यदि यह 616 नैनोमीटर पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जन करती है। तो इन्होंने तरंग दैर्ध्य दे रखा है 616 नैनोमीटर, और नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹। तो आप इसे 616 × 10⁻⁹ मीटर कह सकते हो। ये हमने किस में बदल लिया, इसे मीटर में, तो यहां मैं लिख देता हूं मीटर। एक तो बात ये हमें पता है, और प्रकाश का वेग तो आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात क्या पूछी है इन्होंने, देखते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने पूछी है कि हमें बतानी है आवर्ती, क्या बतानी है, आवर्ती बतानी है। देखो आवर्ती बतानी है, और आवर्ती न्यू का फार्मूला होता है C/λ, ये तो पता है ना आपको। सी कितना है, प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और लैम्डा हमने निकाला है 616 × 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा, आप ये 10⁻⁹ है, आप एक काम करो इसे तो रहने दो, 3 × 10⁸, और ये हो जाएगा इस दशमलव को यहां से यदि यहां लाओगे तो ये हो जाएगा 6.16 × 10⁻⁹ और प्लस की 2 ये जुड़ जाएंगी, तो 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे 7, माइनस के 7 बचेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3/6.16 × 10⁸ और माइनस के 7 ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, प्लस के 7, तो कितनी हो जाएगी घात, ये हो जाएगी घात 8 और 7 कितनी हो जाएगी, 15, 8 और 7 15 हो जाएगी। या फिर आप एक काम करो इसे ऐसे लिख लो आप कि इसमें एक जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ाने से यहां कितनी घात रह जाएगी, 7 रह जाएगी, 7 और 7 14, 10⁻¹4। तो जब आप 30 को भाग करोगे 6.16 से तो ये आ जाएगा 4.870, ये आ जाएगा 4.870 × 10⁻¹4, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो पहला आंसर तो ये आया हमारा, ठीक है, पहला आंसर आया 4.870 × 10⁻¹4 हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स भी आप कह सकते हो इसे। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे क्या पूछा है, दूसरे नंबर पे पूछा है इन्होंने क्या पूछा है, 30 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी। तो आपको पता है कि दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणा समय, दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है प्रकाश की, चाल प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और समय इन्होंने दिया है 30 सेकंड, तो ये हो जाएगा 30 × 90, 90 × 10⁸ मीटर, ये आया हमारा दूसरा आंसर। ये पहला आंसर था, इसे अलग कर लेना इससे, वो पहला आंसर था, ये दूसरा आया 90 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आप इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहते हो तो 9 × 10⁹9 लिख सकते हो, ध्यान से सुन लो इस बात को, 9 × 10⁹9 मीटर आप लिख सकते हो। ठीक है, 90 × 10⁸ मीटर का मतलब होता है 9 × 10⁹9 मीटर। तीसरी चीज देखते हैं क्या पूछा था, तीसरी चीज इन्होंने पूछा था क्वांटम की ऊर्जा, क्वांटम का मतलब फोटोन, तो फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक का मैंने वैल्यू आपको बताया था
6.626 गुणा 10 की घात कितनी बताई थी? -34। ये तो हो गया एच का मान। और न्यू क्या है? आवृत्ति हमने निकाल ली थी अभी, 4.870, 4.870 गुणा 10 की घात 14। ठीक है, तो जब आप इनका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा गुणा करने पर 32.269 गुणा 10 की घात -20 आ जाएगा। इसकी गुणा करके देख लेना, इतने जूल। तो एक फोटोन में इतने जूल एनर्जी होगी, या एक क्वांटम में, या एक क्वांटा में इतने जूल एनर्जी होगी। चौथी बात देखते हैं क्या पूछी थी इन्होंने। चौथी बात पूछी थी, उपस्थित क्वांटम की संख्या की गणना कीजिए। हमें क्वांटम की संख्या बतानी है। किसकी संख्या? क्वांटम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्वांटम की संख्या यदि आपको बतानी है तो आप कुल ऊर्जा देखो कि वहां से कुल ऊर्जा कितनी निकली है और उसे भाग कर दो एक क्वांटम की ऊर्जा से। कुल ऊर्जा को भाग कर दो एक क्वांटम की ऊर्जा से। तो कुल ऊर्जा इन्होंने दी है, यदि यह 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करती है, कुल ऊर्जा 2 जूल है और एक क्वांटम की ऊर्जा अभी हमने निकाल ली है 32.269, 32.269 गुणा 10 की घात -20। तो जब आप ये माइनस की 20 तो ऊपर जाके प्लस की 20 हो जाएगी, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे भाई, माइनस की 20 घात ऊपर जाके प्लस की 20 हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, ये 2 है, या फिर आप एक काम करो, इस दशमलव को और इधर ले आओ, 3.2269 गुणा 10 की घात -21 हो जाएगी। ठीक है, नहीं -21 नहीं, -19, क्योंकि इधर गई घात तो एक प्लस की बढ़ी, तो -19 हो जाएगी, और वो -19 घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +19। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि ऊपर तो 2 रहने दो, नीचे इस दशमलव को यहां से उठा के यहां रखो, 3.2269 गुणा 10 की घात -20 के 20 से एक घात प्लस की बढ़ी है तो -19 रह जाएंगे, और -19 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, +19। यहां से लिखते हैं 2/3.2269 गुणा 10 की घात, ये हो जाएंगे +19। अब आप एक काम करो, ये 2 तो छोटा है, 3.2 है बड़ा, तो 1 0 इधर ले लो और यहाँ एक घात घटा दो, ये तो हो जाएगा 20, और यहाँ और रह जाएंगी 10 की घात 18। समझते हो ना इस बात को? और ये हो जाएगा 3.2269। तो जब आप भाग करोगे 20 को, 3.23 से कर लो भाग, या 3.3 से कर लो, राउंडिंग तो सिखा रखी है, निकटन या संनिकटन, आप यहां तक राउंडिंग मार लो या यहां तक राउंडिंग मार लो, आपकी मर्जी है। तो जब आप 20 को इससे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 6.198, ये आ जाएगा 6.198 के लगभग आएगा, गुणा 10 की घात कितनी है, 18। इतने क्वांटम होंगे या इतने फोटोन होंगे। इसे आप जो है लगभग, जब राउंडिंग इसकी यहां तक करोगे तो जिस अंक को आप छोड़ रहे हो वो 5 से बड़ा है, तो इसे आप एक इकाई बढ़ा दोगे, इसे आप लगभग बराबर लिख सकते हो, 6.2 गुणा 10 की घात 18। इतने क्वांटम होंगे या इतने फोटोन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि बड़ा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह का आएगा। आज मैं जरा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, लेट उठा था मैं, और अब घर में खाना भी बनना शुरू हो गया, बाहर सब्जी वाले भी आ रहे, ठीक है, कहीं कुत्ते भौंक रहे, कहीं कुछ हो रहा तो ये सारी चीजें एडजस्ट करनी होती हैं। कोई बात नहीं है, तो सब चलता रहता है। आप जल्दी से, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीन शॉट लेंगे। ले लिया बेटा स्क्रीन शॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो आपके समझ में आया होगा। वैसे आपके भौतिक विज्ञान के टीचर आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, हमारे कोर्स में इतना ही था। और इसी के साथ साथ हमने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, या ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
उसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। और एक हमने ये क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर 1 2 3 4 क्वेश्चंस का समूह है, और ये भी चारों पार्ट आपके समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी पार्ट आ सकता है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, या फिर सारे पार्ट आ सकते हैं एक बड़े न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो इसलिए बस मेहनत और ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई किया करो और अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो। यदि आप आलसी हो, आलस्य के गुलाम हो, आलस्य शेषनाग की तरह आपके ऊपर बैठा हुआ है, तो फिर आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लिया करो डिस्क्रिप्शन से या टेलीग्राम एप्लीकेशन से। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।